वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जून माह के टॉप 50 करंट अफेयर की वीडियो। तो इस वीडियो में जून माह में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के बन सकते हैं उनमें भी जो टॉप के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि आपके सभी क्वेश्चन कवर हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी कोशिश कीजिए कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन पहले से आते थे आप इसमें कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 की सरकार के स्वामित्व वाली सबसे लाभदायक कंपनी कौन बनी, यानी कि ऐसी कौन सी सरकारी कंपनी रही है वर्ष 2017-18 के दौरान जिसको सबसे अधिक लाभ रहा है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है, इंडियन ऑयल कंपनी वर्ष 2017-18 की सरकार की स्वामित्व वाली सबसे लाभदायक कंपनी बनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत नेपाल का संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का 13वां संस्करण शुरू हो गया है, ठीक है। तो इसका उसके चार ऑप्शन है, नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़ और खैबर, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल का संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्यकिरण का 13वां संस्करण संपन्न भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बचपन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला, यानी कि जो बच्चों के एनवायरमेंट से संबंधित, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के पोषण से संबंधित जो रैंकिंग बनती है, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, भारत को इसमें 113वां स्थान मिला है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व बचपन सूचकांक रैंकिंग 2018 में भारत को 113वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर खोलने की स्वीकृति दे दी है। तो देखिए वन स्टॉप सेंटर क्या होते हैं, देखिए जो भी करंट अफेयर की रेगुलर वीडियोस रही है उनमें हमने इन सभी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वन स्टॉप सेंटर ऐसी सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को एक ही स्थान पर फाइनेंशियल, कानूनी सुविधाएँ और चिकित्सा की सुविधाएँ, सभी सुविधाएँ मिल सकेंगी। तो यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर खोलने की स्वीकृति दे दी है। कौन सा राज्य, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर हरियाणा राज्य ने हाल ही में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर खोलने की स्वीकृति दी है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में इटली की नई जनवादी सरकार के लिए इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में इटली के जीएसएपी कॉन्टे ने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेड्रो संचेज ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो देखिए हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पेड्रो संचेज ने वहां के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना हाल ही में शुरू की है। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है, ओडिशा राज्य ने हाल ही में गोपा बंधु संसद स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभियान के द्वारा सोकोत्रा तथा यमन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो इसका जो आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑपरेशन निस्तर के तहत सोकोत्रा तथा यमन में फंसे भारतीयों को हाल ही में बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर कौन बने। तो देखिए नौवें क्वेश्चन को राइट आंसर है, वो है महेश कुमार जैन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बने, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी इस वीडियो में टॉप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए गए हैं जिनके परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, यानी कि उसकी थीम क्या थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही होगा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ई अवशिष्ट उत्पादन 2018 में भारत का स्थान क्या है। ई अवशिष्ट क्या होता है, जो मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, टीवी है, कंप्यूटर है, इनके द्वारा जो ये जब खराब हो जाते हैं तो इनके द्वारा जो भी कचरा फैलता है तो उसको ई अवशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके उस उत्पादन में भारत का स्थान क्या था, तो इसका राइट आंसर है 5वां, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में राज्यपालों के 49वें सम्मेलन का समापन किस शहर में हुआ है। तो देखिए हाल ही में राज्यपाल के 49वें शिखर सम्मेलन का समापन नई दिल्ली में हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, बिल्कुल वीडियो को आप पूरा देखते रहिए, आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इसका आंसर है उमर अल रज्जाज जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर इस 13वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14,
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 162वां स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो रैंकिंग है वर्ष 2019 के आधार पर बनाई गई है, यानी अगले वर्ष के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको कोई चौंकने की बात नहीं है, यहाँ पर 19 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में IIT बॉम्बे को 162वां स्थान मिला है और यही पहली भारतीय यूनिवर्सिटी है जिसको इस रैंकिंग में ऐसा स्थान मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो इसका जो राइट आंसर है मिताली राज T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है। तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने पिछली वीडियोस को मेरी सभी वीडियोस को पिछले महीने की वीडियोस को देखा है जो कि डेली करंट अफेयर की वीडियोस होती हैं तो उनमें आप इस 50 क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन सही कर सकती है, आपके 50/50 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश को हाल ही में खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन के किस शहर में पहुंचे। तो देखिए शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किंगदाओ, ठीक है, किंगदाओ शहर में पहुंचे जो कि चीन का एक शहर है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यानी कि जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके अलावा कुछ अस्थायी सदस्य भी चुने जाते हैं, तो कौन बने, यहां पर आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, यानी अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। CRPF के किस जवान को मरणोपरांत प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हरविंदर सिंह को CRPF के जो जवान है उनको मरणोपरांत प्रधानमंत्री पुलिस पदक प्रदान किया गया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने ODI के एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है न्यूजीलैंड की क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम ने ODI के एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और आपसे मेरा सवाल ये है कि ODI के एक मैच में जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सर्वाधिक स्कोर बनाया है वो कितना है, ठीक है, कितना स्कोर बनाया है प्लीज कमेंट करिए जिससे कि इस वीडियो में कमेंट भी शामिल हो सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किस देश में हाल ही में 44वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, ठीक है, ग्रुप 7 का 44वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है कनाडा देश में G7 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता। तो देखिए हाल ही में राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। आगे देखिए भारत का पहला पुलिस संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा। तो देखिए हाल ही में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती। तो इसका जो राइट आंसर है कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस सेबेस्टियन विटेल ने जीती है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने T20 क्रिकेट का महिला एशिया कप जीत लिया है। तो हाल ही में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने क्रिकेट का महिला एशिया कप जीत लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले बिम्स्टेक युद्ध खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है भारत देश पहले बिम्स्टेक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में किस देश को पहला स्थान मिला। तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड को वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहला स्थान मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है मॉरिशस देश विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 की मेजबानी करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। आगे देखिए हाल ही में BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में पॉली उमरीगर ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है विराट कोहली को BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में पॉली उमरीगर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 30 क्वेश्चन है हाल ही में निकेई एशिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए हाल ही में निकेई एशिया पुरस्कार से बिंदेश्वर पाठक को सम्मानित किया गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस वीडियो का 31 क्वेश्चन है
हाल ही में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ओडिशा राज्य में हाल ही में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है, गुजरात राज्य नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर प्रबंधन शब्द को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट का यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा यानी कि फुटबॉल विश्व कप का आगाज किस देश में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में फुटबॉल विश्व कप का आयोजन रूस में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दंगों के कारण वहां पर 9 महीने का आपातकाल घोषित कर दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी देश ने वहां पर दंगों के कारण 9 महीने का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा फुटबॉलर 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला दुनिया का 4th फुटबॉलर बना है? तो इसका आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 4 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के 4th फुटबॉलर बने हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सन 2019 में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस विश्वविद्यालय में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि जालंधर मध्य प्रदेश में है, वहां पर 2019 में 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित की जाएगी। यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 क्वेश्चन है, किस शहर को 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, शिलोंग सिटी को 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 39 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य ने हाल ही में मोबाइल ऐप आई हरियाली, ठीक है, आई हरियाली लॉन्च किया है, ये किसानों के लिए एक विशेष ऐप्स है। तो इसका आंसर है, पंजाब राज्य ने हाल ही में आई हरियाली ऐप्स लॉन्च किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, किस शहर में 5वां राष्ट्रीय मानक सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका आंसर है, हाल ही में नई दिल्ली में 5वां राष्ट्रीय मानक सम्मेलन आयोजित हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में 21 जून को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, हाल ही में 21 जून को मनाए गए राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वो था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, यानी कि शांति के लिए योगा, इसके हिंदी में अगर अनुवाद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जल संरक्षण 2018 में पहले स्थान पर रहा? तो इसका आंसर है, राजस्थान राज्य जल संरक्षण 2018 में पहले स्थान पर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जल संरक्षण की बात की गई है, जबकि अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में आया था कि जल प्रबंधन में, ठीक है, तो वहां पर दूसरा आंसर था, वहां पर गुजरात था, यहाँ पर राजस्थान आंसर है। इन दोनों में आप अंतर को समझिएगा। नेक्स्ट है, नासिक के विश्वास मांडलिक, ठीक है, ये एक संस्थान है जो कि योगा को प्रोत्साहन देता है। नासिक के विश्वास मांडलिक और मुंबई के योग संस्थान में हाल ही में इन दोनों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है, इन दोनों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 7-स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है, हाल ही में हरियाणा राज्य ने 7-स्टार ग्राम पंचायत योजना शुरू की है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 किस देश में शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है, हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी 2018 का आयोजन हाल ही में नीदरलैंड में शुरू हो गया है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, इस वर्ष चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? ठीक है, यानी कि वर्ष 2018 में चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया गया, जो कि राजस्थान की मुख्यमंत्री है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो 48 क्वेश्चन का आंसर है, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। यहाँ पर राज्य की बात की गई है, जबकि स्वच्छ भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है वो मध्य प्रदेश का इंदौर है। इन दोनों में आप डिफरेंस को समझेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड यानी कि आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 49 क्वेश्चन का आंसर है, तुम्हारी सुलू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तुम्हारी सुलू जो मूवी है इसको आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी है, भारत की पहली जनजाति रानी कौन बनी? ठीक है, तो ये पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो जनजातीय लोगों की सौंदर्य प्रतियोगिता है। तो इसमें
पल्लवी दारुआ भारत की पहली जनजातीय रानी बनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सभी क्वेश्चंस जो कि पिछले माह के क्वेश्चन बन सकते थे उनमें से सिलेक्ट किए गए सबसे अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए, और उम्मीद करते हैं इन 50 क्वेश्चन में आपको परीक्षा में कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं। और बस यही कहूंगा कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।